So we now know variables. We now know what kind of data they can hold. But how will we use or what can we do with these variables? We can operate on those variables. When I say operate, I mean we have to Operations. study, yes, we have to study operations which will be conducted out by operators. Although we already have seen one operator, the equals, Yeah. this, all of these. Equal is known as an assignment operator, which assigns the value on right-hand side to the variable on left-hand side. After writing this line, wherever I'll type in Z, I will get the value Rohit Jain. Wherever I'll type Y, I will get the value 100. Assignment operator. Equals is also an operator. Plus, minus, multiply, divide are arithmetic operators. There's also a fifth one. Yes. Let me ask you a few questions. So I have a variable A whose value is 10. What do you think the answer of B would be? Or what value B would contain? It would contain two. Okay, you don't seem sure. Basically, Are and you sure? let it be the answer two, because the operators you have used is divide. So the 10, तो अभी हमने परफॉर्म नहीं किया, तो कैसे वो असाइन करेगा 10? मतलब असाइनमेंट तो इक्वल टू तो लगा दिया ना मैंने, तो हाँ, तो अगर इस हिसाब से तो फिर तो टू होना चाहिए बी की टू ही वैल्यू. है। यू ओके, हैव टू बी कॉन्फिडेंट। यस इट इज टू। पाइथन आर पढ़ने राइट के हैंड बाद साइड, तो कॉन्फिडेंस नहीं होता. पाइथन में भी बी का आंसर टू ही था। अगर पाइथन में चूंकि वेरिएबल आई थिंक ऐसे ही बनाते हैं, तो हाँ उसके बाद हाँ मैं अगर कहता प्रिंट बी, प्रिंट. तो आंसर वुड हैव बीन टू ओनली। या इन पाइथन, इन सी प्लस प्लस, जावा, अक्रॉस ऑल लैंग्वेजेस दिस वुड हैव बीन टू ओनली। बट नाउ लेट मी आस्क यू, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस? नाउ व्हाट वुड वैल्यू वुड सी होल्ड? फिर ए डिवाइडेड बाय 5. दिस वाज मतलब ये भी ए, एक सेकेंड, आई मीन ये जो ये सी जो हमने दिया है, ये क्या कहते वेरिएबल। हैं, जो लास्ट हमने असाइन किया है, ये इसको परफॉर्म करेगा हाँ, और इसका आउटपुट जो होगा वो और इसका उसके अंदर आउटपुट मिलेगा। होगा लाइक 10 डिवाइडेड बाय 5. 10 होना चाहिए. इसका आंसर है 0, बिकॉज ये डिवीजन नहीं है, दिस इज नोन एज अ मॉड्यूलस। हाँ, मॉड्यूलस. सो व्हेन यू डिवाइड 10 बाय 5, यू गेट द रिमाइंडर एज हाँ 0। मॉड्यूलस आउटपुट्स द रिमाइंडर, डिवाइड आउटपुट्स द क्वेश्चन। इसका आंसर है 0 अक्रॉस एनी लैंग्वेज। ओके. और अगर वो रिमाइंडर नहीं देता तो कोई भी डिवीजन रिमाइंडर तो देता ही है। नहीं, अगर वो फुली ऐसे डिवाइड, मतलब तो हाँ, तो भी आंसर 0 ही था ना। फुली डिवाइड हो तो रहा है, 10 फुली डिवाइड्स बाय 5, सो दैट देयर फॉर द रिमाइंडर इज 0, सो द आंसर इज 0। टू रिमूव अच्छा. योर कंफ्यूजन, लेट मी डू दिस। इसका आंसर क्या लगता है? यहाँ फुली डिवाइड नहीं हो रहा है। 10 डज नॉट गेट फुली डिवाइडेड बाय 3। सो थ्री नहीं भाई, आप समझे नहीं।
10 को 3 से डिवाइड करिए तो हाँ तो वो नहीं होगा, तो टेन आंसर ही तो कुछ रहेगा आएगा। फिर। नहीं बिल्कुल नहीं, फिर आप बताओ ना। आई थिंक 10 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं रिमेंडर थ्री क्या पॉइंट रहता थ्री है? थ्री 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 हो जाएगा वो। नहीं, वो आउटपुट होता है। आई एम आस्किंग यू द रिमाइंडर 3 पॉइंट, सॉरी 3.33, और टेलिंग मी द क्वेश्चन। वन वन होगा उसका। हाँ इसका आंसर 1 है, बिकॉज द रिमाइंडर इज 1। व्हेन यू डिवाइड 10 बाय 3 यू राइट 3 टाइम्स, 3 बाय 3 into 3 is 9, 10 minus 9 is 1, वॉट ओके रिमेन्स नाउ आई बिहाइंड गॉट दिस। द 1। हाँ फिर इक्वल्स डिवाइड मॉड्यूलस ऑल आर ऑपरेटर्स। सिमिलरली वी हैव ऑपरेटर्स लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, वी हैव लेस देन इक्वल्स, वी हैव ग्रेटर देन इक्वल्स, वी हैव या नॉट, हाँ वी हैव नॉट इक्वल्स, नॉट इन प्रोग्रामिंग इज रिटन लाइक दिस एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस इज नोन एज नॉट इक्वल्स। अच्छा वो आप कैसे देखिएगा क्या, चलो कोई बात नहीं। व्हेन यू राइट एक्सक्लेमेशन इन प्रोग्रामिंग एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है नॉट। अगर हम कह रहे हैं ए इक्वल्स 5 और अगर हम नॉट लगा देते हैं इसका मतलब है ए इज नॉट इक्वल टू 5। सिमिलरली हाँ वी हैव नॉट इक्वल्स। चलो इससे पहले, हाँ इक्वल मैंने आपको बताया असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। वी ऑल्सो हैव डबल इक्वल्स, वी ऑल्सो हैव ट्रिपल इक्वल्स। 2 बार इक्वल लिखा है यहाँ पे, 1 और 2, यहाँ 3 बार है, 1 2 3। बोथ ऑफ देम आर नोन एज कंपेरिजन ऑपरेटर्स, दे कंपेयर समथिंग। वी ऑल्सो हैव नॉट इक्वल्स, वी ऑल्सो हैव नॉट इक्वल इक्वल। ये समझने पड़ेंगे अभी हमें। ऑल्सो वी हैव इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, दिस इज इंक्रीमेंट प्लस प्लस, दिस इज डिक्रीमेंट माइनस माइनस। ये प्लस 2 ही लगेंगे, ये माइनस 2 बार ही लगेंगे हमेशा। 3 माइनस कुछ नहीं होता और 3 प्लस कुछ नहीं होता, दिस इज नथिंग एंड दिस इज नथिंग। ओके लेट मी आस्क यू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड दीज ऑपरेटर्स बेटर। सो आई हैव अ वेरिएबल ए विच इज 2, आई हैव अ वेरिएबल बी विच इज 4, ठीक है। ओके अच्छा एक चीज और बता दूं, इन लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ जावास्क्रिप्ट राइटिंग सेमी कोलन आफ्टर द लाइन इज ऑप्शनल, जस्ट लाइक इन पाइथन। ओके यू कैन और यू कैन नॉट, और यू मे नॉट, यू मे और यू मे नॉट, अप टू यू। ये भी सही है, ये भी सही है, और एक में है एक में नहीं है, ये भी सही है। तो मेरे को भी याद आ जाएगा तो मैं लगाऊंगा, नहीं याद आएगा तो चलता रहेगा, कोई बात नहीं। ओके व्हाट वैल्यू वुड सी होल्ड, अ वेरिएबल सी होल्ड? लाइक अगर मैं एज अ किसी भी लैंग्वेज के थ्रू अगर बताऊं तो यस ये, अक्रॉस लैंग्वेजेस का आंसर सेम है। हाँ तो ये ए लेस देन बी है तो ट्रू होगा। अरे वो सिंबल लेस देन का नहीं ग्रेटर देन का है। ओह आई एम सो सॉरी। मतलब फॉल्स होगा। यस सी वुड कंटेन फॉल्स, बिल्कुल। तो ऑपरेटर क्या कर रहा है वो आप समझे। हाँ वो बूलियन अब टाइप सी दे की रहा है। वैल्यू क्या है, विच अब ए लेस देन बी है तो ट्रू। इज ट्रू। यस सी इज ट्रू, बिल्कुल। ओके नाउ व्हाट डू यू थिंक सी होल्ड्स? ए लेस देन बी आई मीन माइट बी, इफ आई एम गेसिंग इट राइट इट मस्ट बी ट्रू। देखो दो ही ऑप्शन है, 50% प्रोबेबिलिटी है, एक ही आंसर बताओ मुझे। मैं उस 50% प्रोबेबिलिटी को ही बोल रही हूँ ट्रू। ट्रू नहीं यू हैव टू बी 100% श्योर, सो इधर ट्रू और फॉल्स। इट इज फॉल्स बिकॉज 2 इज नॉट लेस देन 2, सो दिस कंडीशन इज फॉल्स। ओके हाउ एवर इफ आई राइट अ इक्वल साइन आफ्टर दिस,
Now this becomes whether either A is less than or A is equals to B. हाँ, A B से छोटा नहीं है लेकिन A B के बराबर है. हाँ सो तो ट्रू है। अब हाँ C की वैल्यू हो जाती है ट्रू. ओके यहाँ C की सॉरी यहाँ C की वैल्यू थी फॉल्स क्योंकि A B से छोटा नहीं है. बट अगर मैं कहूँ कि या छोटा या बराबर तो वैल्यू हो जाती है ट्रू क्योंकि ओके छोटा नहीं है लेकिन बराबर है. सिमिलरली इसका जवाब क्या दिया था आपने? इसका ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसमें भी तो कहाँ है वो तो आंसर क्या है? फॉल्स। यस. इसका आंसर क्या है? दिस इज ग्रेटर देन इसका इक्वल. ट्रू। यस, नाउ दिस इज ट्रू. बिल्कुल सही समझ है ना. इक्वल इक्वल और ट्रिपल इक्वल ये दोनों कंपैरिजन क्या हो मतलब. हाँ चलिए ऐसा ही करते हैं. ए इक्वल इक्वल बी ये लिखा मैंने और एक चीज बोली. हाँ चलिए क्या लगता है अभी इसका आंसर क्या मैं बता देता हूं. देखिए इसका आंसर होगा ट्रू. यहां पे क्या हो रहा है? आरएचएस को पहले सॉल्व किया जाएगा. यहां पे सवाल पूछा गया है, कंपेयर किया गया है, क्या ए बी के बराबर है हाँ। क्या? तो आंसर सी का होगा ट्रू. यस सी विल होल्ड ट्रू बिकॉज ए में भी टू है बी में भी टू है. तो CB2 को ले। तो सी नहीं तो सी में तो ट्रू होगा. हाँ ट्रू टू नहीं ट्रू. अच्छा द आंसर टू दिस इज ट्रू. सिमिलरली वी ऑल्सो हैव एन ए इज इक्वल 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 बी. ये सवाल पूछता है कि क्या ए की वैल्यू बी की वैल्यू के बराबर है. ए में वैल्यू है टू बी में वैल्यू है टू तो आंसर होगा टू ट्रू. ओके सवाल तो यहां भी यही पूछा जा रहा है क्या ए की वैल्यू बी की वैल्यू के बराबर है यानी डी इज ऑल्सो ट्रू है ना. बट फिर सवाल उठता है क्या डबल और ट्रिपल इक्वल्स में कोई फर्क नहीं है? बिल्कुल है. अगेन एन इंटरव्यू क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल्स एंड ट्रिपल इक्वल्स? डबल इक्वल्स को बोला जाता है इक्वालिटी एंड ट्रिपल इक्वल्स इज स्ट्रिक्ट इक्वालिटी. दैट मीन्स देर इज सम डिफरेंस राइट एंड इफ द नेम्स आर डिफरेंट एंड देर इज. मैं दो लाइन लिख रहा हूं इसको हमेशा याद रखें. डबल इक्वल्स को सिर्फ इस बात से मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे भी वैल्यू जो है वो टू है क्या? राइट हैंड साइड पे भी टू है क्या? क्या मतलब है? देखिए अगर ऐसा होता वैल्यू अभी भी दोनों में ए में और बी में है टू. आंसर टू दिस इज स्टिल ट्रू. सी स्टिल होल्ड्स ट्रू. व्हाई? बिकॉज ए में भी टू है बी में भी टू है और डबल इक्वल्स को सिर्फ ये मतलब होता है वैल्यू सेम होनी चाहिए. हाउएवर द आंसर डी होल्ड्स नाउ इज फॉल्स. इट इज नॉट ट्रू एनी मोर बिकॉज ऑल्दो ए एंड बी होल्ड टू ए होल्ड्स द नंबर टू व्हाइल बी होल्ड्स अ स्ट्रिंग हुज वैल्यू इज टू. ट्रिपल इक्वल्स एज वेल एज द वैल्यू चेक्स for the data type to be same on both the sides. This is the only difference between double and triple equals, and that is why triple is known as strict ओके equality. अगर हम यहाँ पे बी की जगह स्ट्रिंग की जगह हम नंबर ही रखते फिर डी की वैल्यू ट्रू हो जाती। हाँ, उस केस में सी और डी दोनों ट्रू ओके एंड दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन डबल एंड ट्रिपल इक्वल्स. ये बात हमेशा याद रखिएगा. लाइन 130 एंड 131 ये हमेशा पूछी जाएगी. बेसिक लेवल इंटरव्यू क्वेश्चन है. These check whether something is equal and in the very same way these check whether something is not equal.
द सेम वे हमने ये डबल इक्वल के साथ किया, तो वो सेम चीज वहां पे नॉट इक्वल के साथ भी होती है. बिल्कुल, डबल इक्वल का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है नॉट इक्वल, एंड ट्रिपल इक्वल्स का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है नॉट इक्वल इक्वल। मैं एग्जाम्पल से बता देता हूं। इसका आंसर क्या था? ए डबल इक्वल्स बी। इसका आंसर तो फॉल्स होगा. आर यू श्योर? हाँ हाँ, चेक लाइन 130। अगर वैल्यू के हिसाब से चलें तो फिर तो ट्रू है. आंसर ट्रू ही है। इसका आंसर है ट्रू, राइट? हाँ इसका आंसर क्या था? इसका आंसर फॉल्स है फिर. एग्जैक्टली। सवाल मेरा अब ये है, इसका आंसर आपने देख लिया क्या था? नॉट इक्वल्स, इसका आंसर क्या होगा? आर फॉल्स, यू श्योर? क्योंकि एग्जैक्ट अपोजिट होता है. बिल्कुल सही है। इफ दिस वॉज ट्रू दिस विल बी फॉल्स। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक द आंसर टू दिस वुड बी? ट्रू, यस, आर यू श्योर? द सेम थिंग दैट अपोजिट टू ट्रिपल इक्वल. बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मजा आ गया। यस, क्वेश्चंस कैन बी फाउंड इधर यूजिंग द पॉजिटिव चेकिंग और द नेगेटिव चेकिंग, नेगेशन कैसे भी हो सकता ओके है। फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द डे लेट्स सी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। वैसे तो इन रियल लाइफ इंक्रीमेंट मीन्स इंक्रीज, इन प्रोग्रामिंग इंक्रीमेंट स्ट्रिक्टली मीन्स इंक्रीज बाय वन, सिमिलरली डिक्रीमेंट मीन्स डिक्रीज और डिक्रीमेंट बाय एग्जैक्टली वन, नॉट मोर देन दैट। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हाउएवर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, प्री एंड पोस्ट। इंक्रीमेंट कैन बी प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट कैन ऑल्सो बी प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। नाउ व्हाट डू वी से व्हेन वी मीन बाय दिस? प्री मीन्स पहले, पोस्ट मीन्स बाद में। व्हेन वी से प्री इंक्रीमेंट वी मीन इंक्रीमेंट बिफोर एनीथिंग एल्स। व्हेन वी से पोस्ट इंक्रीमेंट वी मीन्स फर्स्ट लेट समथिंग एल्स हैपन, देन वी विल डू द इंक्रीमेंट। अभी मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। सो वी हैव अ वेरिएबल लेट्स से एक्स विच इज वन, ठीक है? इंक्रीमेंट द सिंबल इज प्लस प्लस, एंड आई हैव टोल्ड यू इंक्रीमेंट कैन बी प्री एंड पोस्ट। अगर वेरिएबल हम पहले लिखते हैं और उसके बाद इंक्रीमेंट का साइन, तो दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट, दिस इज प्री इंक्रीमेंट। सिमिलरली दिस इज प्री डिक्रीमेंट एंड दिस इज व्हाट? पोस्ट इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट. पोस्ट डिक्रीमेंट। बहुत बढ़िया। मतलब क्या है इनका? देखो, अच्छा मेरे पास एक वेरिएबल है विच इज वन, एक्स इज वन। लेट्स से इफ आई डू दिस, आफ्टर दैट लेट्स से इफ आई डू दिस, अगेन आफ्टर दैट लेट मी अगेन डू दिस, एंड देन लेट मी डू दिस। ऑल दीज आर परफेक्टली वैलिड स्टेटमेंट्स, इनमें कोई एरर नहीं है। लेट्स से आई आस्क यू द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर ऑल दीज ऑपरेशंस, क्या लगता है आपको क्या वैल्यू रहेगी? अगर पहले ऑपरेशन को परफॉर्म करें एक्स प्लस प्लस को, तो वो 1 को ऐड कर देगा, सो 1 + 1 वुड बी टू. ओके। फिर देन वो नेक्स्ट लाइन में नहीं, पर ये पोस्ट इंक्रीमेंट है. नहीं, एक्चुअली आप सही जा रहे हो। अभी तो अच्छा, लाइन 156 पे ऐड हुआ। हाँ, और फिर ये डिक्रीमेंट हुआ है तो हाँ 1 को देन माइनस कर देगा, तो माइनस हुआ तो 1 बचा फिर. देन
फिर वो प्री इंक्रीमेंट हुआ है, यानी 1 वापस ऐड हुआ है, तो फिर 2 हो जाएगा, फिर तो 1 आंसर. हाँ बिल्कुल, आंसर 1 ही है, बिकॉज द नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स वर कैंसल्ड आउट बाय नंबर ऑफ डिक्रीमेंट्स, तो यहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अभी आपने नोट किया 156 इज पोस्ट, एंड 158 इज 159. प्री, 157 इज प्री, 159 इज पोस्ट। इन दिस वेरी केस अभी एक्स प्लस प्लस से भी एक से इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लस प्लस एक्स से भी एक से इंक्रीमेंट हो रहा है, अभी कोई फर्क नहीं प्री और पोस्ट। फर्क देखो अब आएगा। आपने जो आंसर बोला विच इज परफेक्टली फाइन, एक्स एट लाइन 161 वॉज 1 ओनली। नाउ लेट मी डू दिस राइट नाउ। आई एम आस्किंग, आई एम ट्राइंग टू अलर्ट, आई एम ट्राइंग टू पॉप अप द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, क्या लगता है आंसर क्या आएगा? आर यू श्योर? हाँ आंसर इज 1। बट वॉट इफ आई आस्क्ड यू द आंसर नाउ? अब पोस्ट का तो ये था कि पहले वो परफॉर्म करेगा, ओके सो द आंसर वुड बी, लाइक टू, आर यू श्योर? आई मीन नॉट दैट श्योर, क्योंकि पोस्ट का. हाँ तो आप सही कह रहे थे लेकिन आंसर गलत दे दिया। पोस्ट यानी बाद में करो। क्या बाद में करो? इंक्रीमेंट। सवाल आता है पहले क्या करूं? देखिए हाँ इस लाइन पे एक ही ऑपरेशन था जो परफॉर्म करना था, दैट वाज इंक्रीमेंट। सिमिलरली इस लाइन पे भी एक ही ऑपरेशन था, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दीज लाइन्स हैव नो डिफरेंस। सिमिलरली दीज लाइन्स ऑल्सो हैड नो डिफरेंस बिकॉज यहां एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करने को था, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इस लाइन पे दो ऑपरेशन है, एक है अलर्ट, अलर्ट द वैल्यू ऑफ एक्स, और दूसरा ऑपरेशन है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये डिफरेंस समझो, 156 पे एक ही ऑपरेशन है तो वो प्री हो या पोस्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वही काम करना है सिर्फ। 167 पे दो काम है, एक तो वैल्यू को पॉपअप करना है और एक वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। तो यहां फर्क पड़ता है इस चीज का कि वेदर इट इज लाइक दिस और इट इज लाइक दिस। दिस इज प्री और पोस्ट, पोस्ट. दैट मींस इंक्रीमेंट बाद में होगा। तो पहले स्क्रीन पे पॉपअप में एक्स की वैल्यू आई, तो ओके आंसर क्या आएगा? वन अगेन यू आर नॉट श्योर? नहीं, श्योर हूं अगर वो एक्स की बिल्कुल पहले वो करेगा. हाँ, पहले एक्स को अलर्ट करो तो हाँ स्क्रीन पे आपको आंसर दिखेगा 1 ही। दूसरा ही ओके, क्या आया? एग्जैक्टली वन हाँ, बट चूंकि प्लस प्लस तो होना था, स्क्रीन पे आपको 1 दिखेगा, कंप्यूटर अपनी मेमोरी में एक्स को कर लेगा 2। तो मेरा आपसे सवाल यह है, 168 का आंसर क्या होगा? टू. यस अच्छा, अब मैं सीरीज में क्वेश्चन पूछूंगा। 169 यू हैव टू यू हैव टू पहले बी ग्रेटर, तो वो एक्स को ही प्रिंट गया, यानी टू को प्रिंट करेगा. सो द आंसर वुड बी टू ओके मैं इसी चला ओके सकता. द आंसर वुड बी अब मुझे ये पूछना है कि 2 में से 1 माइनस होगा कहाँ, पूछने का काम मेरा है, आपका तो तो बताने का अलर्ट काम है। वन सेवेंटी नहीं, पे हाँ तो 170 पे 1 हो जाएगा. ओके और 171 पे 0 हो जाएगा ओके देन और 1 हो जाएगा. ओके एंड फाइनली एक्स वुड बी एक्स वुड बी 1. 1। ओके सो द आंसर्स आर 122 1011। चलिए लेट अस चेक। 1 पहले आया था, देन आया 2, बिल्कुल ठीक है, देन नेक्स्ट भी 2 होना चाहिए। ये क्या हुआ? चलिए अपन देखते हैं क्या हुआ। एक्स वॉज 1, यस फर्स्ट टाइम एक्स वुड बी 1 ओनली,
पहले वन प्रिंट होगा, देन कंप्यूटर मेमोरी में वो टू हो चुका होगा, तो इसका आंसर यस वाज टू, क्योंकि यहां तो एक ही ऑपरेशन है, अलर्ट एक्स। हाँ, तो अब तो उसकी मेमोरी में वो टू रजिस्टर हुआ ना, तो वहां पे तो हाँ एक्स प्लस प्लस पे तो टू आना चाहिए। अभी वापस देखते हैं, यहां पे आंसर टू ही आएगा। हाँ सही है ये, पर वो कंप्यूटर मेमोरी में हो चुका है थ्री, क्योंकि आपको स्क्रीन पे टू दिखेगा लेकिन उसके बाद प्लस प्लस होगा, टू प्लस वन इज थ्री। तो जब हम ये करेंगे, पहले माइनस वन करना है, थ्री माइनस वन इज टू, और फिर एक्स को अलर्ट करना है, तो इसका आंसर है टू, ये गलत हुआ है। फिर ये किया हमने, एक्स जो अलर्ट हुआ था वो यहां से फाइनल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद ही हुआ था, यानी एक्स टू था, टू माइनस वन इज वन, अलर्ट होगा वन। फिर यहां पे एंड वन पहले एक्स प्लस को वन इंक्रीमेंट टू। किया तो यानी कि आया टू, और फिर अलर्ट किया, आंसर इज टू, तो इससे आंसर आएगा टू। आपने एक चीज नोट करी, ये गलत हुआ, और फिर बाद में वापस सीरीज से सारे गलत हो गए हमारे।